बात करेंगे सबसे पहले 2000 के नोटबंदी की खबर से। नोटबंदी 2.0 इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला लिया, जिसके बाद इस मसले पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने सवाल किया है कि क्या नोटबंदी के गलत फैसले पर पर्दा डालने के लिए ये दूसरी नोटबंदी की गई है। उन्होंने निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आने का हवाला भी दिया। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कदम आगे बढ़कर प्रधानमंत्री को ही अनपढ़ करार दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले 2000 का नोट लाकर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की गई और अब 2000 का नोट बंद कर भ्रष्टाचार मिटाने का हवाला दिया जा रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नोट वापस लेने के फैसले को लेकर हमलावर है। कांग्रेस नेता इसे आम जन को परेशान करने वाला कदम बता रही है। इधर सांसद हेमा मालिनी रिजर्व बैंक के इस कदम को जायज करार दे रही है। तो वही आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2000 का नोट बंद करना एक अच्छा कदम है। नोट बंद हुआ अच्छा ही हुआ है। हमारी सरकार ने जो भी सोचा है, भारत सरकार ने, वो सही होगा। तो हमारे मोदी जी ने जो भी प्लान किया है, क्योंकि 2000 का नोट कई दिनों से, कई महीनों से मेरे ख्याल में बंद पड़ा था। मुझे भी हमेशा जो मिलता है कि 500 का नोट ही हमें मुझे मिलता है। कई लोगों ने पूछा 2000 का नोट मेरे पास है, मेरे पास है ही नहीं। तो आई समटाइम्स मुझे ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि ईजी रहता पैकेट बनाने को, लेकिन अच्छा है ये किसी का विषय से, किसी वजह से किया है, इसको सब लोगों को पालन करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर तक नोटों को बदलने के लिए समय भी दिया गया, लेकिन ऐसे में आम जनता के साथ व्यापारियों पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के सब्जी मार्केट में व्यापारियों से ही जानते हैं 2000 के नोट अचानक बंद किए गए, कितना फर्क पड़ा है मार्केट में इसको लेकर। 2000 के नोट के बंद होने से व्यापारी भयभीत हो गया है। इसका एक माहौल ऐसा खराब हुआ है कि कल जो टमाटर हमने 350 रुपये प्रति कैरेट बेचा था, आज 200 रुपये में बेचना पड़ा। और क्योंकि पेमेंट 2000 के नोट अगर बंद हो जा रहे हैं तो इससे हमको दिक्कत ये जा रही कि हमारे जो पेमेंट करते हैं किसान भाइयों को, किसान भाई मना कर दिए पैसा लेने से, बड़ी 2000 का नोट नहीं लेंगे। और बाहर भी दिशावर जो से जो सब्जियां आती है उनको भी पेमेंट करना है, वो भी बड़े असमंजस में पड़ गए हैं। आपको क्या लगता है अचानक निर्णय लिया गया है सही है? अब वो सही समानांतर जो पेरिसेबल जो इकोनॉमी चल रही थी उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन हड़कंप जब मच जाता है, अफवाहें फैलती है, अफवाह फैलने से नहीं लेंगे करके लोग बिचक जाते हैं। बिचक जाने की वजह से व्यापार में एकदम से स्थिरता जो अचानक से व्यापार में नुकसान हुआ है, क्या लग रहा है जहाँ से आप लोग मान लेते हैं वहाँ पर 2000 के नोट ले रहे हैं या वहाँ भी लेने से इनकार? उन लोग ने भी इनकार कर दिया है कि हम 2000 के नोट नहीं लेंगे। एक टाइप का असमंजस होने की वजह से सब बिचक गया है कार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्यापारी वर्ग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अचानक 2000 के नोटों नोटबंदी कर दी गई है, 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया, ऐसे में जो सब्जियों के दाम है वो अचानक से नीचे गिर गए हैं और व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मलकेश सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर।